अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं आपको YouTube की तीन अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही मजे की हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जब भी किसी चैनल के होम पे जाते हैं यूट्यूब पे तो आप देखते हैं वहाँ पे आपको चैनल का होम, चैनल की शॉर्ट्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट और अबाउट वगैरह की ऑप्शंस मिलती हैं। तो वहाँ पे अब आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिलने वाली है जिस पे लिखा होगा कोर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप कोर्सेज बनाते हैं डिफरेंट किस्म के किसी भी लिहाज से तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को वहाँ पे शो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा आप प्लेलिस्ट की सूरत में जितने भी कोर्सेज होंगे वो डाल सकते हो। तो जो भी कोई भी आपके चैनल पे आएगा तो वो देख सकता है कि आपने कौन से कोर्सेज जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे एक और बेनिफिट होगा जैसे कि अगर आप कोर्स अपने फ्री में नहीं देना चाहते हो बल्कि बेचना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो सारी, मतलब एक वीडियो की सूरत में, और वहाँ पे रख सकते हो ताकि आप जब भी वहाँ पे कोई आए तो वो देखे कि आपके पास ये कोर्स अवेलेबल है और आप इसने में जो है वो उसको शेयर कर रहे हो और आपसे वो रब्ता करके वो कोर्स को ख़रीद ले। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे लर्नर्स होता है जो स्टार्टिंग में बिल्कुल लर्न करते हैं और फिर एक एडवांस कोर्स होता है, तो इसमें दोनों में डिफरेंट करके आप कुछ ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो अपने यूजर्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री भी रख सकते हो और बाकी जो है वो सेल कर सकते हो। तो मतलब इस तरह से आप अपना कोर्सेज का जो बिजनेस है उसको डिवेल्प कर सकते हो। तो ये यूट्यूब की तरफ से एक बहुत अच्छी अपडेट है। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स दूसरी अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरी अपडेट क्या है, दूसरी अपडेट ये है कि जैसे कि आप जब YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको दो ऐड एक साथ देखने को मिलते थे। तो जैसे ही आप पहला ऐड 5 सेकंड देख लेते थे अगर तो वो स्कीपेबल होता था तो आप उसको स्किप कर देते थे और जो दूसरा ऐड होता था वो आपको शो नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब भी आप कोई ऐड देखोगे तो वो 5 सेकंड चलेगा। अगर तो वो 5 सेकंड में मतलब स्कीपेबल होने वाला हुआ तो स्कीपेबल की बजाय आपको नेक्स्ट ऐड की ऑप्शन मिलेगी, मतलब कि आपको दोनों ऐड जो है वो हर सूरत में देखने ही पड़ेंगे। तो ये एक यूट्यूब की नई अपडेट है, तो ये यकीनन अपडेट आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप YouTube स्टूडियो में जाके कस्टमाइज चैनल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, एक प्रोफाइल की और एक होम टैब की। तो आप जो आपकी होम टैब है आप उसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं, मींस आपको लोगों को अपनी होम टैब को दिखाना है या नहीं दिखाना है आप उसको शो कर सकते हैं और उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरी जो अपडेट थी वो YouTube की ये है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपने कमेंट्स में बताना है आपको YouTube की ये अपडेट्स कैसी लगी। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।